बात जो उस एक लड़की से बात करता था मगाई डी की लड़की, उसका घर एकमा है और एकमा था तो उसको बुलाई थी एक बार, तो बाहर से आया था तो गया था तो वहाँ पकड़ा गया था, तो एकमा थाना से हम लोग उसे छुड़ा कर। छपरा में अपराधियों का हौसला बुलंद है, जिसका ताज़ा मामला मुसफिल थाना क्षेत्र के फोर लाइन पर देखने को मिला, जहां पर अपराधियों द्वारा एक युवक की निर्मम तरीके से गाला रेत कर हत्या कर दी गया है। मृतक की पहचान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर इकौना गांव निवासी जयप्रकाश कुमार पिता सुखी राय के रूप में हुआ है। शव मुसफिल थाना क्षेत्र के फोर लाइन से बरामद हुआ है। हत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन परिजनों द्वारा प्रेम प्रसंग में हत्या की जाने की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। दिन दहाड़े हत्या कर शव फेंके से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि मृतक जयप्रकाश दोपहर घर से गायब है और दोपहर के बाद मुसफिल थाना क्षेत्र के फोर लाइन पर शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जयप्रकाश 10 अगस्त को अपने प्रेमिका के ससुराल में पकड़ा गया था, जिसे प्रेमी के परिजनों ने मारपीट कर उसे एकमा थाना को सौंप दिया था। मर्डर का ही ना है, जब वहाँ से ले यहाँ से लेकर वहाँ बीगा गया है, जान से मारा गया, तो मर्डर का ही तो मामला है। कैसे क्या हुआ था, घर के लड़का क्या बोल के निकला था? घर से तो कुछ बोल के निकला नहीं था। पुराना विवाद कोई है? पुराना विवाद 6-7 महीने पहले हुआ था, सराज लगभग तो हुआ था, तो वो लोग आता भाई अपने में किया था, लोग कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था। आप लोग कैसे जानकारी रही थी वहाँ? मैं या पुलिस से जानकारी हुई, जब हम फोन कर गाँव के लोग बोला तो हम फोन किए उसके नंबर पे, बोला कि हम लोग लाश लेकर यहाँ से जा रहे हैं, आप आइए सदर अस्पताल। कितने बजे घटना है? ये घटना तो हमको नहीं मालूम, 12 बजे करीब का होगा। 12 बजे मैंने फोन, क्या लग रहा है कैसे घटना, कौन घटना दे सकते हैं, कौन कर सकते हैं, क्या लग रहा है आप कैसे घटना? जिसके बाद दोनों पक्ष के परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया था, लेकिन लड़की के परिजनों द्वारा हत्या की धमकी दी जाती थी। लड़की का मायका लड़का के गांव के बगल में ही है। विवाह के पूर्व दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मुसफिल थाना अध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के फोर लाइन रोड से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक भगवान बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी के रूप में हुआ है। हत्या धारदार हथियार से किया गया है। शव को छिपाने के लिए कहीं और दूर घर से फोर लाइन पर फेंक दिया गया है। हालांकि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फोटो उन लोग दिया था अपने ससुराल वालों को, या हस्बैंड मारने के लिए ही न देगा, गाय के लिए देगा, इसलिए न देगा। मतलब जिस लड़की से ये बात करते थे उनका रिश्तेदारी है वहाँ मगाईडी में? ना, उसका अपना घर है। अपना घर है? हाँ। तो एकमा में क्या है? उसका शादी हुआ है। अच्छा, लड़की का शादी हो गया। हाँ। उसके साथ कोई पकड़े गए थे ये? हाँ। उसके बाद लोग फोटो खींचा था तो डाला था ससुराल वाला लोग। दूसरा विवाद क्या था? दूसरा विवाद वही झगड़ा हुआ था एक बार 8-9 महीना पहले ही का बात है। ना, श्याम चौक के लड़का था उस समय। क्या नाम था मृतक का? जयप्रकाश कुमार। पिताजी का नाम? मुखी राय। उम्र कितना है? हम बड़े भैया। कितना उम्र है? पिंटू कुमार। उम्र कितना है उसका? उसका 18 साल उम्र। क्या करते थे? अभी क्या करता, बाहर से आया है, प्राइवेट जॉब करता था।